इंदौर में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला की मां के निधन पर शुक्रवार को शोक सभा में बड़ा हादसा हो गया। मरी माता चौराहे पर हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान तेज बारिश की वजह से टेंट का डोम नीचे आ गिरा। इससे करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद नगर निगम और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और डोम में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दरअसल विधायक संजय शुक्ला की मां कृष्णा देवी का 1 अक्टूबर की रात निधन हो गया था। शुक्रवार को उनके निजी निवास के पास मरी माता चौराहे पर शोक सभा का आयोजन किया गया था। शोक सभा की समाप्ति से पहले शाम के लगभग 6 बजे अचानक तेज बारिश की वजह से वाटरप्रूफ डोम गिर गया। इस वक्त बड़ा हादसा हुआ, वहां पर 500 से अधिक लोग मौजूद थे। डोम के गिरते ही मौके पर भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। वहीं कुछ लोग डोम के नीचे फंस गए। घटना के समय विधायक संजय शुक्ला और उनका परिवार भी वहीं पर था। घटना की जानकारी मिलते ही इंदौर नगर निगम, एसडीआरएफ और एमपीईबी के अधिकारी कर्मचारी तुरंत मौके पर जा पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए। घटना के पीछे की वजह अत्यधिक बारिश और तूफान को माना जा रहा है। इंदौर से न्यूज़ के लिए शहबाज खान की रिपोर्ट।